भारत के सबसे ऐतिहासिक क्षेत्रों में शुमार बुंदेलखंड में ऐसे कई स्थान हैं, जिनको कोई कितना भी देखे या परखे हमेशा उतना ही कम लगता है। ग्वालियर किला, झांसी किला या तिलिका मंदिर जैसी अनेक इमारतें या स्मारक अपनी दीवारों के भीतर अनगिनत कहानियां बुनते हैं, मगर इन्हीं में एक ऐसी विशाल इमारत है जो इतिहास के साथ साथ पर्यटन के मामले में भी छिपा हुआ है। हालांकि जो कोई भी सैलानी यहां आया है वो हमेशा मंत्रमुग्ध होकर गया है, और वो है वीर सिंह महल। क्या आप जानते हैं कि इस महल की नींव एक दोस्ती के रिश्ते से शुरू हुई थी? मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लगभग 75 किलोमीटर दूर वीर सिंह महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में बुंदेला शासक वीर सिंह जुदेव ने किया था। ये 7 मंजिला महल सिर्फ पत्थरों और ईंटों द्वारा बना है, जहां लकड़ी और लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। इस महल में आगमन इसकी पूर्वी दिशा से होता है और इसके दक्षिण में कर्णसागर झील है। यहाँ 440 कमरे हैं, कई आंगन हैं और इसकी योजना चौकोर है। कहा जाता है कि पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए यहाँ पर दाल, गुड़ और तेल के प्राचीन घोल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण ये आज मजबूत है। वीर सिंह महल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आइए आपको इसके सफर पर ले चलते हैं। वीर सिंह महल वीर सिंह जुदेव और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच की दोस्ती की निशानी है। इनकी दोस्ती तब परवान चढ़ी थी जब दोनों अपने अपने साम्राज्यों की गद्दी पर बैठने की फिराक में संघर्ष कर रहे थे। एक जमाने में मुगल बादशाह अकबर और शहजादे सलीम के रिश्ते काफी फीके थे। रिश्तों में दरार तब पड़ी जब सन 1600 में सलीम ने बगावत की और फिर इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर उसने अपना दरबार लगाया। बाप बेटे के रिश्ते में दरार डालने वाला कोई और नहीं बल्कि अकबर के नवरत्नों में गिने जाने वाला अबुल फजल था, जिसने बादशाह के हमराज होने तक अपनी जगह इस कदर बनाई कि सलीम इस बात से राजी हो गया था कि उसी ने उसके खिलाफ बादशाह के कान भरे थे। सन 1602 में जब अकबर के कहने पर अबुल फजल दक्कन में किसी सामरिक मामले को सुलझाने जा रहे थे, तब उसको सलीम से मिलने के लिए भी कहा गया था। मौके का फायदा उठाकर जब अबुल फजल भोपाल के निकट नारवार पहुंचे ही थे, तो सलीम के कहने पर वीर सिंह जुदेव ने उसका सिर कलम किया और तोहफे के तौर पर सलीम को भेजा। वहीं अकबर इस त्रासदी से सदमे में पड़ गया था। जब सन 1605 में सलीम बादशाह बना और जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा, तब बदले में उसने वीर सिंह जुदेव को ओरछा की गद्दी पर बिठाने में सहायता की। कहा जाता है कि जब जहांगीर ओरछा की ओर रुख कर रहे थे, तब उस उपलक्ष पर वीर सिंह जुदेव ने वीर सिंह महल का निर्माण करवाया था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इन दोनों दोस्तों का शासनकाल सन 1605 में शुरू हुआ और 1627 में ही अंत हुआ। वीर सिंह महल भारत के उन चंद शाही इमारतों में गिना जाता है जिसको एक से भी अधिक नामों से जाना जाता है। चूंकि ये वीर सिंह जुदेव द्वारा निर्मित है, तभी इसको वीर सिंह महल के नाम से जाना जाता है। वहीं 7 मंजिला होने के कारण इसको सतखंडा महल भी कहा जाता है। दतिया में होने के कारण इसको दतिया महल भी कहा जाता है, और जहांगीर से नाता होने के कारण इसको कई स्थानीय निवासी जहांगीरी महल और यहाँ तक पुराना महल, गोविंद महल और गोविंद मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं। इंडो इस्लामिक स्थापत्य के बेहतरीन उदाहरणों में गिने जाने वाले वीर सिंह महल के 17वीं शताब्दी के बाद का इतिहास गुमनामी की चादर में दफन है। दिलचस्प बात यह है कि वीर सिंह जुदेव और यहाँ तक उसके वंशज कभी इस महल में नहीं रहे थे, और जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत में दतिया अंग्रेजों के अधीन आया,
उनके अधिकारी भी बीर सिंह महल से दूर ही रहे थे। स्थानीय लोगों और दंत कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस विशाल महल में निवास करने लायक कोई शासक नहीं हुआ था। जब सन 1911 में अंग्रेजों ने नई दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की, तब सन 1912 से लेकर 1930 तक इसके निर्माण पर कार्य हुआ था। इसके मुख्य वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने इमारतों के निर्माण के लिए कई भारतीय इमारतों और स्मारकों से प्रेरणा ली, जिनमें से एक बीर सिंह महल भी था। लुटियंस ने बीर सिंह महल को स्थापत्य के नजरिए से समस्त भारत के सबसे दिलचस्प इमारतों में से एक माना था। बीर सिंह महल 16वीं और 17वीं शताब्दी में प्रचलित बुंदेली स्थापत्य का सबसे जीता जागता उदाहरण है। बुंदेली कला की सबसे बेहतरीन चित्र और सुंदर खिड़कियां जैसी अनेक विशेषताएं बीर सिंह महल को भारत के सबसे खूबसूरत महलों की सूची में रखते हैं। तो जब कभी भी आपका बुंदेलखंड में चक्कर लगे, बीर सिंह महल जाना मत भूलिएगा।